डभोई नांदोदी भागोड़ आवेला हरिहर आश्रमना महादेव उपासक अने नवनाथ महादेव वडोदरानी कावड़ यात्रा डभोई कावड़ यात्राना प्रणेता पूज्य विजय महाराज द्वारा सोमवारे श्रावण मास पूर्ण थतो होय लोकोना हित माटे तेमज हाल सीजनमां वरसाद ओछो रहेता कोरोना महामारीना पगले लोकोने जे हालाकी पड़ी रही छे ते माटे 24 कलाक ओम नमः शिवाय अखंड धूननुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। साथे साथे भव्य भंडारानुं पण आयोजन करवामां आव्युं हतुं। भगवान भोळानाथनी उपासनानी दरेक कष्ट दूर थाय नो जणावी खूब ज जल्दी कोरोना महामारी दूर थाय ते माटे भगवान शिवनी आराधना करवामां आवी हती। ये डभोई हरिहर आश्रम डभोई से मतलब ये तो हर साल बरसों से सावन का प्रोग्राम होता है। रामचरित मानस का धुन पाठ होती है 24-30 घंटा के लगभग। कोरोना के लिए इस साल रामचरित का पाठ नहीं रखे थे हम, ओम नमः शिवाय का 24 घंटा धुन रखे थे। और उससे सबसे ज़्यादा हमको यह लक्ष्य था कि बारिश भी नहीं हो रही है। आदमी तो परेशान है लेकिन जीव जंतु भी इसमें परेशान है। इसलिए भगवान देव से कहे कि जल की धारा तुम्हारे अंदर से प्रकट हुई है, इसलिए जल से तुम मतलब सब जीव जितने जीव जंतु है मनुष्य सबको तृप्ति मिले तो अच्छा है। और ये कोरोना तीसरा लहर आने वाली है उसको भी आप संभालो जैसे तीसरी लहर देश में नहीं आवे। ये गरीब प्रजा हम इस झोपड़पट्टी के बगल में रहते ही हैं, इसलिए हमको इन लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह भाव रखते हैं। इसलिए हम तो 12 महीने 5-7 से भंडारा करते हैं जैसे कि हमसे जो हो सकता है सबकी मदद तो भोजन कराते हैं। नितेश जोशी नो रिपोर्ट, S9 न्यूज़ डभोई।